भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश लगातार नए कदम बढ़ा रहा है। अरुण यानी सूर्य के आंचल में बसा अरुणाचल प्रदेश, जहां के जंगल और पहाड़ों में पनपते प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की अपनी पहचान है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिछोम नदी पर 70 मीटर ऊंचे हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम और टेंगा नदी पर 24.5 मीटर ऊंचे डैम का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट का करार 1999 में साइन जरूर हुआ था, लेकिन ये आगे बढ़ा 2014 में वर्तमान केंद्र सरकार के आने के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे खास महत्व दिया गया और 2016 में श्री पेमा खांडू जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालने के बाद मोदी जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत की बिजली व्यवस्था के परिदृश्य को बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए अभी तक 6200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लिया है। प्रदेश को 12% बिजली की आपूर्ति के अलावा यह स्टेशन आज असम, मेघालय, नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बिजली पहुँचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट के कारण प्रतिवर्ष कार्बन कटौती की अनुमानित मात्रा 2.8 मिलियन टन है। परियोजना को कोविड पीरियड की तमाम चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पूरा करना भारत सरकार व राज्य सरकार के सतत विकास के संकल्प का एक उदाहरण है और आज 19 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा।